होली के शुभ अवसर पर सभी किसान भाइयों को नागेंद्र प्रसाद त्रिपाठी का हार्दिक बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आज से एक हफ्ता पहले 23 फरवरी को हमने इस ड्राम में डीकम्पोजर बनाने की विधि बताई थी। इसमें हमने 2 किलो गुड़ और 200 लीटर पानी में वेस्ट डीकम्पोजर का घोल इसमें जो हमने डाला था, आज इसका देखिए कैसा रंग बदल गया है। इसको रंग बदलने के बाद मतलब ये 7 दिन में तैयार हो गया। इसके बारे में हमको ये बताना है, ये हमारा बनाया हुआ कोई खाद नहीं है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र हापुड़ रोड गाजियाबाद, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, इसके डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण चंद्र और जगत सिंह, इन्होंने गाय के गोबर और भैंस के गोबर पर जब इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने पाया कि गाय के गोबर में 1 हफ्ते बाद केचुए उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि भैंस के गोबर में कीड़े पड़ जा रहे हैं। उन्होंने लैब में ले जाकर जब गाय के गोबर का सर्वे किया, जांच किया, तो उन्होंने 3 तरह के बैक्टीरिया पाया, जिसमें एक तरह का बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि जमीन के अंदर जो भी गोबर खरपतवार या खेत के अवशेष हैं उनको डिकम्पोज कर दे रहा है। दूसरे जमीन के अंदर के जो भी अघुलनशील नाइट्रोजन यूरिया पोटास हैं उनको डिजाल करके पौधों को दे रहा है, जिससे कि पौधे के पत्ते बड़े हो जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया बढ़ जाती है, उत्पादन बढ़ रहा है। तीसरी बैक्टीरिया जो है हमारी खेत के बीमारी के लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। अब इसका काम ये तो हो गया, काम हो गया, अब इसकी उपयोगिता हम बताएंगे। इसको हम उपयोग क्या करेंगे, अगर जो हम इस वेस्ट डिकम्पोजर के घोल को 1 ड्राम 200 लीटर खेत में सिंचाई के समय पानी के साथ टपका विधि से उसको टपका देंगे और ये खेत में चला जाएगा, तो 30 दिन के अंदर खेत के अंदर जो भी अवशेष होंगे उनको डिजाल करके खाद बना देगा। जैसा कि हमने बताया कि जो हम डाई यूरिया और पोटास खेत में डालते हैं उसका 70-80% अघुलनशील रूप में खेत में रह जाता है, केवल 30% ही हमारे पौधे पाते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया है उसको क्या करेंगे कि जो भी अघुलनशील डाई यूरिया पोटास है उनको घोल करके पौधे को हम जो लगाएंगे उनको दे देंगे। और दूसरा उपयोग इसका हम बीज उपचार करेंगे, इससे धान गेहूं चना मटर जो भी हो, यहाँ तक कि आलू गन्ना सब बीज को हम उपचारित करके लगाएंगे तो इसका जो जर्मिनेशन होगा बढ़ जाएगा। आलू और गन्ना का तो 100% हो जाता है। इसका ये होता है इसके जब हम सिंचाई में छिड़काव करेंगे और खेत में भी देंगे तो क्या होगा कि पौधा ढहेगा नहीं, दाने की क्वालिटी बढ़िया होगी, पूरे खेत में एकदम कचुआ कचुआ ही हो जाएगा और कार्बनिक पदार्थ की बढ़ जाएगी। और दूसरे क्योंकि ये गाय को गोबर से बनाया गया है इसलिए इसका जहाँ छिड़काव हम करेंगे पशु भी हम इसको नहीं खाएंगे। अब नया रिसर्च ये आया है डॉक्टर कृष्ण चंदा के अनुसार, अगर जो इसको 5 ड्रम को हम 1 एकड़ खेत में सिंचाई के समय डाल दे रहे हैं तो आपको ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, केवल 30 दिन में पूरा खेत जो भी उसमें खरपतवार रहेंगे डीप कंपोज हो जाएंगे और खेत में लगभग 40 लाख केचुए लगभग हो जाएंगे। उसमें अगर जो सब्जियों के खेत में 4-5 दिन में छिड़काव करेंगे उनका बढ़िया बढ़वार होगा और कीड़े भी नहीं लेंगे, इसके छिड़काव से नीलगाय भी नहीं लेंगे। अभी 21 फरवरी को किसान दिवस, तीसरे बुधवार को किसान दिवस लगता है, जिसमें हमारे महाराजगंज के माननीय डीएम महोदय वीरेंद्र कुमार सिंह ने हम किसानों से किसानों के एक निर्देश दिया था कि हम गेहूं के अवशेष को न जलाएं। इसके लिए हम ये कहेंगे अगर हम खेत में ही इस डिकम्पोजर के घोल को डाल करके और सिंचाई कर दें तो जो भी अवशेष रहेंगे वो हमारा जल करके इस डिकम्पोजर के खाद बन जाएगा। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ साथ हमारे और भी किसान बंधु इसको सीखें और बनावें। हमारा ये हार्दिक इच्छा है कि कम से कम इस हफ्ते में हमारे जिले के 10 किसान इसको ले जावें, हमसे सीखें और बनावें और अगले हफ्ते में वो 10 लोगों को और सिखावें। इस तरह से 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते में ये 10-10 आदमी को बनाने के लिए अगर संकल्प कर लेंगे तो 5 हफ्ते में कम से कम 1 लाख लोग ये खाद बना लेंगे और हमारे जो भी गेहूं के अवशेष रहेंगे उनमें अगर जो इसका प्रयोग करेंगे तो गेहूं फूकने की समस्या नहीं रहेगी और जो भी गेहूं के अवशेष होंगे
वो डिकम्पोज होकर खाद बन जाएंगे। बस आज इतना ही, अगले वीडियो में इसका उपयोग डायरेक्टली कैसे हो रहा है हम दिखाएंगे। हमने अपने 1.5 एकड़ खेत में जिसमें कि मेंथा लगाना है, इसका हम 200 लीटर डाल करके सिंचाई कर दिए हैं, उसमें 1 हफ्ते के अंदर मेंथा लगाएंगे, बाकी उस समय आगे की बात कहेंगे। धन्यवाद।